इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में, जहां पर 140 मिलियन की लागत से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएस ब्लॉक बनाने जा रही है, जिसका तकरीबन 70% काम जो है मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कॉलेजेस गुजरांवाला डिवीज़न प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन शाह। आइए उनसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला डिवीज़न के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, इनमें से एक ये है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ख्वातीन सैटेलाइट टाउन में। ये हमारा 140 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जो तमाम के तमाम अमाउंट रिलीज़ हो चुकी है और ओवरऑल इसका 72% जो है वो खर्च भी हो चुका है। इसमें 1,90,00,000 रेवेन्यू कंपोनेंट था। रेवेन्यू कंपोनेंट से हमने जदीद लैब के लिए सामान खरीदा है, लैब इक्विपमेंट खरीदा है, फर्नीचर खरीदा, और सबसे बढ़कर यहाँ पर बच्चियों की रिक्वायरमेंट के लिए बीएस की किताबें खरीदी हैं। किताबों की ख़रीदारी के लिए प्रिंसिपल साहबा ने 4 से 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट और डिसिप्लिन को देखते हुए एक एक किताब खुद सेलेक्ट की है, और वो प्रोसेस जो है हमारा तकरीबन रेवेन्यू कंपोनेंट का मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह, जैसे कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग में कहा था कि मार्च के एंड तक यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, हमारी इंशाल्लाह मार्च से पहले ही 70% यूटिलाइजेशन हो जाएगी। काम की क्वालिटी और रफ्तार से हम मुतमिन हैं। तो ये बिल्डिंग जो बन रही है, एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत मावन साबित होगी, हमारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करेगी, और हम बहुत मशहूर हैं गवर्नमेंट के कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। पहले हमारे पास 12 डिसिप्लिनस हैं, वो मॉर्निंग में हैं, और 9 डिसिप्लिनस हैं, वो इवनिंग में हैं, और फर्दर 3 मैंने बताया कि हम फर्दर 3 की हमने करनी है। नेक्स्ट जो एफिलिएशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 3 डिसिप्लिनस प्लस हमारे पास जो रूम्स की डेफिशिएंसी थी, उसको ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करेगी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा शमा नवाज़ साहबा से पता किया कि इस कॉलेज में जो बीएस ब्लॉक बनने जा रहा है, उसमें कितनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या फंडिंग की है, और उसके बनने से बच्चियों के लिए किन किन डिसिप्लिन में मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये कॉलेज जो है, ये ना सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न का, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे सूबा में एक बड़े अपनी तलीमी और हम नसाबी सरगर्मियों और एजाजात के हवाले से बड़ी नुमाया पोजीशन रखता है। और इंशाल्लाह ये तवक्को की जाती है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो ये इनको इनिशिएटिव फराहम किया है, एक अच्छा बीएस ब्लॉक यहाँ पर फराहम किया है, उसके बनने से बच्चियों को, पूरे डिवीज़न की बच्चियों को मज़ीद बेहतर सहूलियात उनके घर की दहलीज़ पर ही मुयस्सर आएंगी।